नमस्कार दोस्तों, सोच टाइम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी का जो सबसे बड़ा खबर निकल के आ रहा है इंटरनेट पे, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारे क्रिएटर इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि इंडिया और यूएस का जो है तेजस को लेकर जो डील हुआ था, जिसमें आप लोग जानते होंगे इंडिया का तेजस का जो है इंजन जो है वो यूएस की कंपनी जो है वो सप्लाई करता है। और यहाँ पे ये बात तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये जो एयरक्राफ्ट है इसका इंजन जो है, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट यूएस और इंडिया के बीच में जो देखने को मिला है, उसमें अब काफ़ी सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो यहाँ पे मिल रहा है, 2023 में जितना इंजन यूएस को इंडिया को सप्लाई करना था, यूएस ने अपना जो है टोटल जो वो टारगेट था वो पूरा नहीं किया है। इंडिया को यहाँ पे एक भी इंजन जो एक्सपोर्ट 2023 में नहीं किया गया, 2024 में भी नहीं किया गया है, और शायद बोला जा रहा है कि 2025 तक यहाँ पे इंडिया के पास जो है जो तेजस का इंजन है वो देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा खबर देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे पेनल्टी लगा दिया है यूएस के जो कंपनी है उस पर, जो कि इंडिया को इंजन सप्लाई किया करते थे। आप लोग जानते होंगे कि ये जो खबर है ये काफ़ी ज़्यादा आज के समय में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली में एक फेक खबर है। बेसिकली आपको ये बात तो अच्छे तरीके से दोस्तों समझना होगा कि इंजन जो है वो काफ़ी क्रूशल होता है, और यहाँ पे इंडिया ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम रसिया से ले लेंगे, क्योंकि रसिया के पास टेक्नोलॉजी तो है लेकिन रसिया खुद ही जो है जंग में लगा हुआ है। और अमेरिका भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका कोई ऐसा जो हम इंडिया के साथ जो है नहीं देना चाहते इंजन या कोई प्रॉब्लम है, ये कारण मेन नहीं है। मेन कारण यहाँ पे ये है कि यूएस के पास भी दोस्तों आप लोग जानते होंगे रसिया यूक्रेन जंग और इजराइल और हमास का जो जंग चल रहा है, इसके वजह से जो यूएस का पूरा जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ पे उसका जो इतना बड़ा डिफेंस का इंडस्ट्री है, उसमें यहाँ पे काफ़ी सारा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे एक साथ यहाँ पे यूएस को जो है यहाँ पे रसिया और यूक्रेन जंग में भी यूक्रेन को मदद भेजना है, यहाँ पे सप्लाई भेजना है, और साथ साथ यहाँ पे इजराइल को भी सप्लाई भेजा जा रहा है, और इतना सारा जो है सप्लाई जो है यूएस से भी मैनेज करना मुश्किल होता है। इसी कारण से यूएस जो है आज के समय में काफ़ी ज़्यादा अपना जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसे गिरा चुका है, और वो मैक्सिमम जो फोकस किया जा रहा है यहाँ पे रसिया यूक्रेन जंग और इजराइल हमास जंग में फंड किया जाए, और उसी हिसाब किताब में यहाँ पे ज़्यादातर जो यूएस के कंपनी है वो भी आज के समय में काम करते हुए देखने को मिलता है। तो ये जो खबर चल रहा है कि यहाँ पे इंडिया और यूएस के बीच में जो प्रॉब्लम हो गया है और अब जो है इंडियन कंपनी जो है वो खुद ही इंजन बना लेगा, तो ये भी अभी संभव नहीं है। हम खुद भी नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर वो टेक्नोलॉजी होता तो हम कब के बना चुके होते। और इंजन बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, ये बात आपको समझना होगा। एयरक्राफ्ट बनाना उतना मुश्किल नहीं है, वो बनाया जा सकता है, लेकिन इंजन बनाना सबसे मुश्किल है। इंजन जो है आपको बता दूँ चाइना के पास भी है लेकिन उतना एडवांस नहीं है, और जो इंजन भी है वो चाइना जैसा देश भी जो है रसिया से यूएस का कॉपी करके, रसिया कॉपी करके जो है बना के चला रहा है। और एक्चुअली डिजाइन जो बोल सकते हैं आप जो है फिफ्थ या सिक्स जनरेशन का इंजन सबका, वो तो काफ़ी मुश्किल है। वो चाइना जैसा देश भी जो है अभी तक 100% अच्छे तरीके से कर नहीं पाया है। रसिया के पास ये टेक्नोलॉजी है लेकिन दुनिया में सबसे बेहतरीन जो टेक्नोलॉजी है ये इंजन बनाने का, वो आपको जो है यहाँ पे अमेरिका के पास ही देखने को मिल जाता है। इस बात में कोई शक की बात नहीं है कि यहाँ पे यूएस का टेक्नोलॉजी जो है एयरक्राफ्ट के इंजन हुए इन सब में काफ़ी बेस्ट है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी कारण से इंडिया को भी जो है अभी के समय में यूएस के साथ ही चलना होगा। और हमें जो है यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है थोड़े थोड़े से बात में हम जो है युद्ध करने पर उतर जाए, सैंक्शन लगा दे, क्योंकि हम उतना ताकतवर देश भी नहीं है, अभी तक हमारे पास वो सब टेक्नोलॉजी भी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सोच टाइम को सब्सक्राइब करें, और आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में मिलता रहेगा, इसीलिए सोच टाइम को जरूर सब्सक्राइब करें। सोच टाइम बुलेटिन है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ काफ़ी सारा और भी छोटा छोटा इंटरेस्टिंग खबर देखने को मिलता रहेगा। नमस्कार।